नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटई रोड पर स्थित संजय विहार कॉलोनी के पीछे रहने वाले वार्ड वासियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर जल संकट से निजात दिलाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि आधी आबादी को पानी मिल रहा है, लेकिन आधी आबादी पेयजल से त्रस्त है और लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर हैंडपंप से पीने और निस्तार के लिए पानी भरना पड़ता है। वार्डवासियों ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व आधे वार्ड में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई थी, जिसमें नियमित जल सप्लाई हो रही है, तो वहीं वार्ड की आधी आबादी जल संकट से जूझ रही है। बताया गया है कि आधे वार्ड के लोगों को करीब 1 किलोमीटर दूर लगे हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है। एकमात्र हैंडपंप होने के कारण लंबी कतार लगी रहती है और लोगों को दिन भर पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। बताया गया है कि परेशान वार्डवासी कई बार नगरपालिका और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जल सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। कलेक्टर को आवेदन देकर समस्या को हल कराए जाने की मांग की है। पानी के लिए बहुत हम परेशान रहते हैं भैया। कितनी दूर से भरना पड़ता है? बहुत 1 किलोमीटर से दूर ज्यादा पड़ जाता है। हाँ भैया, लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट में पास में नहीं है पानी। नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ से नलके की दूरी है 1 किलोमीटर, और जिसमें पानी भी रुक रुक के आता है, जिससे जाने पर जाते हैं 1-1.5-2 घंटे में एक बार पानी मिलता है। पानी की समस्या सर इतनी है कि छोटे छोटे बच्चे अगर जो पढ़ते हैं ना, तो वो पानी के लिए जाते हैं तो 1 घंटा के लिए तो उन लोगों को समझ लो आना ही नहीं है लौट के। और इस वहाँ से आते कई लोग तो बीमार भी हो जाते हैं सर, पानी धूप में लाते हैं तो, क्योंकि दोपहर में नलके पे 1 घंटे में मिलता है, बाकी शाम को जाओ तो 2-3 घंटे में पानी मिलता है। अभी हम लोग कलेक्ट्रेट में आए आवेदन देने के लिए जनसुनवाई में।